पॉप के लिए हम लोगों ने क्या, सबसे पहले जो है वो हम लोगों ने एक टेम्प्रेरी पॉइंटर लिया, उसके अंदर फ्रंट वाली नोड का एड्रेस स्टोर कराया, फिर फ्रंट को आगे मूव कर दिया फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट डॉट नेक्स्ट से, और जो फ्रंट पे पहले जो नोड थी उसको हम लोगों ने डिलीट कर दिया। तो ये तो हमारे पास जो है वो ए को पॉप करना है, तो हमारे पास ये काम हो जाएगा। अब जब बी को पॉप करना होगा तो फ्रंट और रेयर दोनों बी को पॉइंट कर रहे हैं, तो यही काम हम लोग करेंगे। टेम्प्रेरी पॉइंटर लिया, टेम्प इज इक्वल टू एफ करेंगे, तो हमारे पास टेम्प के अंदर इस बी वाली नोड का एड्रेस आ जाएगा। अब हम लोग ने क्या करना है, फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट डॉट नेक्स्ट। अब फ्रंट डॉट नेक्स्ट देखें क्या है, फ्रंट डॉट नेक्स्ट हमारे पास नल है, तो जब फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट डॉट नेक्स्ट करेंगे, मतलब बेसिकली बी से नेक्स्ट नोड का एड्रेस जो है वो फ्रंट में स्टोर करवाना चाहते हैं, तो बी से नेक्स्ट नोड कोई है नहीं, वो हमारे पास जो है वो नल है, तो फ्रंट के अंदर हमारे पास जो है वो नल आ जाएगा। ठीक है, तो अब जब हमारे पास फ्रंट के अंदर हमारे पास नल आ गया, तो टेम्प के अंदर बी वाली नोड का एड्रेस है, जब डिलीट टेम्प करेंगे तो ये बी वाली जो मेमोरी है ये हमारे पास फ्री हो जाएगी। जब ये फ्री हो जाएगी, फ्रंट हमारे पास नल होगा, रियर जो है वो डेंगलिंग बन जाएगा। क्यों डेंगलिंग बन जाएगा, क्योंकि इसके अंदर एक ऐसा मेमोरी एड्रेस पड़ा हुआ है जो अब हमारे पास उसका एक्सेस नहीं है, हम लोग उसको फ्री करवा चुके हैं, तो इस वजह से रेयर जो है वो डेंगलिंग पॉइंटर बन जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, जस्ट टू चेक के रेयर जो है वो डेंगलिंग पॉइंटर ना बने, तो हम लोग ये देख लेते हैं कि अगर फ्रंट हमारे पास नल है, इफ फ्रंट इज इक्वल टू नल, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, रेयर को भी नल कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह लिखने से हमारे पास क्या होगा कि अगर फ्रंट हमारे पास नल हो जाता है, दैट मीन्स कि अब क्यू एम्प्टी हो गई है, तो हम लोग रेयर जो है उसको भी हम लोग जो है वो नल कर देंगे। तो इस तरह हमारे पास जो है वो क्यू जो है वो हमारे पास एम्प्टी हो जाएगी। यहाँ तक बेटे के क्वेश्चन आप लोगों का।